हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित हियर विद द ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल गाइस। और आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ही अच्छे कंट्रोल सेटअप के ऊपर। वैसे तो मेरा ही कंट्रोल सेटअप है, बट जो लोग मेरा कंट्रोल सेटअप पहले से यूज़ कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा एडवांस मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। बिकॉज दो चार दिन पहले मेरा एक दोस्त है मैग्नेटो नाम से, जो मेरे इंस्टाग्राम पे है, ठीक है, उन्होंने अपना एक कंट्रोल सेटअप की फ़ोटो भेजी, जिससे मुझे कुछ आइडिया मिला कि हाँ यार, अगर मैं ये चीज़ें चेंज करता हूँ मेरे कंट्रोल सेटअप में तो मैं और भी फास्ट खेल सकता हूँ, और कहीं कहीं पे जब मेरा चोक हो जाता है वो चोक भी कम हो जाएगा। अब तुम लोग सोच रहे हो यार, चोक होना भी कम हो जाएगा और फास्ट भी खेल सकते हैं, ऐसा क्या है भाई मेरे कंट्रोल सेटअप में, क्या अपग्रेड करना है? तो तुम्हें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में क्या अपग्रेड करना है। बट एक चीज़ और बताया था पहले कि सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो को लाइक करने को वीडियो के एंड में बोलता हूँ तो तुम लोग छोड़ के चले जाते हो वीडियो को और लाइक भी नहीं करते हो। तो अभी फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और नहीं सब्सक्राइब करने का मन है तो बाकी वीडियोज़ देख लो यार, अपने आप मन कर जाएगा सब्सक्राइब करने का। सो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। अब देखो, वैसे तो मेरा कंट्रोल सेटअप है बहुत ही फास्ट, जो कि मुझे लगता है कि सारी चीज़ें इसमें फटाफट से हो जाती है। फोर फिंगर है, हर चीज़ अपनी सही जगह पर रखी हुई है मैंने, ठीक है। बट स्टिल कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी है यार, जिसमें थोड़ा सा मैं स्लो पड़ रहा था, तो मैंने सोचा यार इसको अपग्रेड कर ही लेते हैं अगर आइडिया आ गया तो पहली चीज़ ये कि जब भी मैं कहीं पर ग्रेनेड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रेनेड ओपन किया, अब इसका जो कैंसिल वाला बटन है जो तुम यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, यार ये मेरे थंब पे ही है, ठीक है। मेरे को अगर कैंसिल करना है कोई ग्रेनेड तो मुझे अपना जॉयस्टिक छोड़ने के बाद कैंसिल करना पड़ेगा, राइट। तो मैं ये नहीं चाहता था, क्योंकि इससे मेरी मूवमेंट स्लो होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं पे ग्रेनेड कर रहा हूँ तो मुझे कवर में आना पड़ेगा, उसके बाद मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो सामने से एकदम से बंदा आ गया तो ऑब्वियसली बात है यार, मुझे पहले कवर में आना पड़ेगा उसके बाद। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कवर में हूँ, ठीक है, एक कार के कवर में। मैं ग्रेनेड करने के लिए बाहर की साइड आता हूँ, बंदा एकदम से भाग के आया, मैं फटाफट से कवर में जाऊँगा, उसके बाद ग्रेनेड कैंसिल करूँगा। क्योंकि अगर मैं पहले कैंसिल करूँगा तो कवर में लेट जाऊँगा, अगर कवर में जाऊँगा तो ग्रेनेड कैंसिल लेट होगा, अगर ग्रेनेड ओवरकुक हो गया तो मुझे ग्रेनेड छोड़ के कवर में भागना पड़ेगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इसका सॉल्यूशन आ चुका है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है कि कैसे ग्रेनेड को फटाफट से कैंसिल करके गन हाथ में ले सकते हो बहुत स्पीड में। कंट्रोल्स में जाओ, अपना कैंसिल वाला बटन है, ठीक है, उसका साइज़ पहले तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। साइज़ कितना रखना है, जितना तुम्हारा ADS वाला बटन है ना टॉप राइट कॉर्नर पे, स्कोप इन वाला, उसका साइज़ देख लो, और ADS वाला मतलब, ठीक है, उसका साइज़ देख लिया, उसके बाद जो कैंसिल वाला बटन है ना उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा रखना, ताकि वो स्कोप वाले बटन के अंदर आ जाए ऐसे, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे हो अंदर आ जाए, इसका कोई रीज़न है क्या? इसका कोई रीज़न नहीं है, जस्ट ऐसे ही मैंने इसको अंदर करा हुआ है थोड़ा सा, बाकी ताकि मिस स्टेप ना हो। और एक चीज़ का ध्यान रखना, ये ऊपर हो या स्कोप इन वाले की या नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे हाथ में ग्रेनेड आएगा ADS वाला बटन गायब हो जाएगा, और गन हाथ में आएगी तो ADS वाला बटन आएगा और कैंसिल वाला बटन गायब हो जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार में एक ही बटन रहेगा, राइट। तो अब यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा फायदा हो गया, मैं अपनी मूवमेंट करते करते, अपना जॉयस्टिक को मूव करते करते अपने जो ग्रेनेड है उसको कैंसिल कर पा रहा हूँ। भाई ये इतना सही लगा मुझे, मतलब इतना फास्ट हो जाएगा इससे सब कुछ। क्योंकि देखो अभी कई बार ग्रेनेड करते फटाफट से ऐसे कैंसिल करके गन हाथ में लो, क्राउच करो, मारो, ठीक है। यहाँ पे ग्रेनेड कर रहा हूँ फटाफट से, अब कैंसिल करना चाहते हो तो ऊपर वाला बटन दबाओ, कैंसिल करो, नीचे बैठो, गन हाथ में लो, जो भी यार तुम स्पीड में कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो अगर तुम लोग ट्राई करना चाहते हो तो ये ट्राई कर सकते हो, जो कि बहुत ही एडवांस है मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है। और अगर नहीं ट्राई करना चाहते हो तो ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि देखो तुम्हारे ऊपर है, तुम थोड़े से चेंजेस लाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हाँ यार, एक दो दिन तो तुम्हें लगेंगे, ठीक है, क्योंकि तुम जहाँ पे पहले कैंसिल करते थे वहीं पे दबाओगे ना बार बार, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम तुम्हें लग सकता है। बट स्टिल इसको ट्राई करोगे तो बहुत एडवांस तो हो ही जाओगे, प्लस तुम्हारा गेम प्ले भी थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। अब दूसरी चीज़ क्या है भाई, वो और भी अच्छी है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो एग्जिट वाला बटन है वो राइट साइड पे मैंने रखा हुआ है, ठीक है। अब एग्जिट वाला बटन या राइट साइड पे रहता है तो पता है क्या होता है, जब मैं कार में बैठा हूँ कहीं पे देख रहा हूँ, एकदम से एग्जिट करना पड़ता है मुझे थंब से, और उतर के थंब से ही एम करना है वापस, ठीक है, इधर उधर, तो दो दो बार थंब टैप होता है ना, तो थोड़ा सा मिस टैप हो जाता है मेरे से ऑटोमेटिकली, और थोड़ा सा चोक भी हो जाता है उसमें। तो मैं चाहता हूँ कि दो दो बार ये ना हो। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अब देखो मैं गाड़ी में बैठा हूँ, राइट साइड पे एग्जिट वाला बटन तुम्हें दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे एम कर रहा हूँ इधर उधर, ठीक है, और एग्जिट करके पीछे एम करूँगा वापस से किसी बंदे को मारने के लिए, तो वो जो दो बार मैं थंब को टैप कर रहा हूँ ना गाड़ी से उतरते टाइम और गाड़ी से उतरने के बाद, क्योंकि उतरते टाइम मुझे एग्जिट दबाना है और उतरने के बाद मुझे एम शिफ्ट करना है, तो दो दो बार मुझे थंब से टैप करना पड़ रहा है, तो उससे एम खराब हो जाता है, चोक होने के चांसेस रहते हैं, तो वो सब मैं नहीं चाहता हूँ, राइट। तुम लोग भी अगर नहीं चाहते हो तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, तुम्हें अपना एग्जिट वाला बटन ऐसी जगह पे शिफ्ट करना होगा जो थंब पे ना हो, तुम्हें एग्जिट वाला बटन अपनी इंडेक्स फिंगर पे शिफ्ट करना होगा जंप वाले की जगह, ताकि थंब तुम्हारा फ्री हो जाए एम करने के लिए।
चलो बताता हूँ कहाँ रखना है इसे। सिंपली अपने कंट्रोल्स में जाओ, ठीक है। कंट्रोल्स में जाने के बाद अपने एग्जिट वाले बटन का साइज़, पहले तो अगर तुमने बड़ा कर रखा है तो इसे छोटा कर लो, ठीक है। तुम्हारा जितना जंप वाला बटन है ना, या फिर जंप मतलब अपने इंडेक्स फिंगर पे तुमने जो भी बटन रख रखा है ना, जो भी बटन, फॉर एग्जांपल जंप वाला, प्रोन वाला, क्राउच वाला, व्हाटएवर, ठीक है, उसकी जगह पे तुम इसे लगा दो। क्योंकि जब भी तुम कार में बैठे रहते हो ना, जंप, क्राउच, प्रोन, ये सब काम नहीं आता और ये सब शो भी नहीं होता है, ये बटन गायब हो जाते हैं, राइट। तो अब देखो यहाँ पे मैंने एग्जिट वाला ऊपर रख दिया है, अभी तो मेरा जंप हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही मैं कार में बैठूंगा सिर्फ एग्जिट वाला बटन शो हो रहा है ऊपर। देखो भाई कितना सही है वो यार, तुम अपनी इंडेक्स फिंगर पे एग्जिट करो, एम करो और फटाफट से मारना चालू करो, राइट। अब कुछ लोग, मुझे पता है कुछ लोग ऐसे बोलने वाले हैं कि यार तुम तो बहुत लेट हो बॉटर भाई, तुम तो बहुत मतलब स्लो फलाना फलाना, हमने तो बहुत टाइम से ऐसा कर रखा है, हम तो ऑलरेडी एडवांस हैं। तो ठीक है भाई, मान गया तुम्हारी बात कि तुम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस हो और तुम लोगों ने बहुत टाइम से ऐसा कर रखा है, विच इज़ वेरी गुड। बट तुम लोग मुझे भी तो बता सकते थे ना, अब मुझे लेट आइडिया आया तो उसमें मैं क्या करूँ भाई, मेरे को तो आइडिया आते ही मैं तुम्हें बताता हूँ, बट तुम लोग को अगर कोई आइडिया आता है ना, तो यार तुम लोग बहुत कमीने हो भाई, लिटरली। नीचे कमेंट करके बता दिया करो ना कि ऐसा कर सकता हूँ मैं, मेरा भी गेम प्ले थोड़ा सा फास्ट हो जाए, मतलब अपना ही करते रहोगे क्या, मैं तो तुम्हारा करने में लगाऊँ और तुम लोग मेरा गेम प्ले फास्ट नहीं करना चाहते। ये उन्हीं को बोल रहा हूँ जो लोग अपने आप को एडवांस समझ रहे हैं, तो सारे लोग ऐसा मत समझना। या अब ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें मैं तुम्हें बता दी, अभी दोनों चीज़ें तुम एक बार ट्राई करो। अब देखो वैसे कार में बैठना और कार से एग्जिट करने में मेरे को ये चोक होता था कि जब भी मैं अपने एग्जिट वाला बटन दबाता था ना, वो कई बार यार थंब पे दबता ही नहीं था, कई बार राइट में चला जाता था मेरा थंब, कई बार लेफ्ट में ही रह जाता था, क्योंकि यार मेरा सारा ध्यान बंदे पे होता था। बट मेरी इंडेक्स फिंगर इतनी ज़्यादा यूज हो चुकी है, मैं इसको है ना अपने जंप वाला ADS वाले को इतना ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ऑब्वियस बात है सभी यूज़ करते हैं, तो अच्छी हैबिट है, तो इसलिए मैंने अब अपने एग्जिट वाले बटन को ऊपर लगा लिया। अब तुम लोग की अगर हैबिट नहीं है ना, तो प्लीज़ ये ट्राई मत करना, बट वैसे तो देखो तुम्हें पता है हर चीज़ की हैबिट डालनी पड़ती है, तो अगर हैबिट नहीं है तो भी ट्राई कर सकते हो, बाकी तुम्हारे ऊपर यार, अगर तुम लोग अपना गेम प्ले ख़राब नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें बता दूं कि यार एटलीस्ट 2 से 3 दिन तो ख़राब होगा ही होगा यार, इतना तो मसल मेमोरी में फीड होने में टाइम लगता है ना किसी भी चीज़ को, तो अगर तुम ऐसा करते हो तो 2 से 3 दिन का टाइम मान लो, तुम 2 से 3 दिन तुम्हें लगेंगे और तुम आराम से भाई इसे यूज़ कर सकते हो, फटाफट से किसी भी जगह पे गेट इन कर सकते हो, किसी भी जगह में मतलब कोई भी गाड़ी वाड़ी में, फटाफट से एग्जिट कर सकते हो, बंदों को मार सकते हो। ADS के जगह पे तुम अपना कैंसिल वाला बटन रख दो, कहीं पे भी तुम घूम रहे हो भाई, ग्रेनेड हाथ में लिया तुरंत कैंसिल कर सकते हो भाई तुरंत, और विदाउट स्टकिंग, मतलब कोई भी तुम्हारी मूवमेंट रुकेगी नहीं, कहीं पे भी स्टक नहीं होगी, डायरेक्ट तुम कैंसिल करो, कुछ भी करो भाई, मतलब लिटरली काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने वाली है सब चीज़ें। सो या अब तो पहले जिन लोगों ने लाइक नहीं किया भाई लाइक करो, और जैसे मुझे कुछ और अपग्रेड्स मिलते हैं ना कुछ भी किसी भी चीज़ में, मैं तुम्हें बताता रहूँगा। और आजकल जो टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस आ रही हैं कैसी लग रही है, और जो फनी वीडियोस आ रही हैं, मतलब सब कुछ ठीक है ना चैनल पे, एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दो, क्योंकि वैसे ही मैं बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता रहता हूँ, और तुम लोग करोगे तो तुम्हारा भी रिप्लाई करूँगा फॉर श्योर, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ तुमसे एक नई वीडियो में यार, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग आउट।